दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आखिर कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों में यह क्या चीज़ है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो क्राउन पहनती है उसमें 7 स्पाइक्स ही क्यों हैं? और क्या आपने ये कभी सोचा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से US कैसे लाए गए होंगे? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अंत तक, और आज आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में ऐसे ही 21 फैक्ट्स जानोगे। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कोलोसस ऑफ रोड्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। कोलोसस ऑफ रोड्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोनों का साइज लगभग सेम ही है, और इन दोनों के फ्रेमवर्क भी बिल्कुल सेम है। कोलोसस ऑफ रोड ग्रीस का एक स्टैचू है। नंबर 2, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड है, और इसे 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट करा था। नंबर 3, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो लेडी है वो रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम है। नंबर 4, आपने शायद ज़रूर गौर कर रहा होगा कि लेडी लिबर्टी के राइट हैंड में एक टॉर्च है और लेफ्ट हैंड में एक बुक है, वो भी अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 4 दिसंबर 1776 के बारे में बताती है, जिस दिन अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। नंबर 5, अप्रॉक्सीमेटली 2016 से 4.5 मिलियन लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने आए हैं, पर ये आईफल टावर से बहुत ही कम है। आईफल टावर को देखने के लिए हर साल 7.5 मिलियन पीपल आते हैं, और लंदन आई को देखने के लिए हर साल अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन पीपल तो आते ही हैं। नंबर 6, जो लेडी लिबर्टी ने क्राउन पहना है उसमें 25 विंडोज हैं, और अगर आप उस क्राउन पर विजिट करना चाहते हो तो आपको 354 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। नंबर 7, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो शू साइज है वो 879 है, और उनकी वेस्ट लाइन 35 फुट है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अपने राइट हैंड में टॉर्च पकड़ती है वो ज़मीन से 93 मीटर्स ऊँचा है, और उस टॉर्च का जो वेट है वो 204 मेट्रिक टन है। नंबर 8, आपने ज़रूर ये गौर करा होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्राउन में 7 स्पाइक्स हैं। ये 7 स्पाइक्स 7 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और मिलजुल कर रहने की सलाह भी देते हैं। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बना था और इसका कलर ब्राउनिश टाइप था, पर इसका कलर ग्रीन हो गया ऑक्सीडेशन की वजह से, और इसको एक डैमेज का साइन भी माना जा सकता है, और इसमें एक ग्रीन कोटिंग भी करी गई है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए 300 अलग अलग प्रकार के हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था इसको परफेक्शन देने के लिए। नंबर 11, पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फेस को उसके स्कल्प्टर यानी कि जिसने उसे बनाया था उसकी मदर के फेस की तरह बनाने का सोचा था, पर बाद में ऐसा नहीं किया गया। नंबर 12, स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA के न्यूयॉर्क के अंदर लिबर्टी आइसलैंड में स्थित है। नंबर 13, इस स्टैचू को फ्रांस के लोगों ने US को गिफ्ट करा था, पर इसको फ्रेंच स्कल्प्टर फ्रेडरिक अगस्तेस बार्थलोड ने डिज़ाइन करा था, और इसको गस्टेस एफ्रिल ने बनाया था। नंबर 14, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस में बनाया गया था। यह जुलाई 1884 तक पूरी बन चुकी थी, पर इसको 17 जून 1885 में न्यूयॉर्क के हार्बर में पहुंचाया गया था, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत भारी था और इसका हाइट भी बहुत बड़ी थी, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। नंबर 15, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम 350 पीसेस में डिवाइड करा गया था, साथ ही 214 क्रेट्स में भी इसे डिवाइड करा गया था। जब ये सब अमेरिका पहुंचे थे तो इन्हें रिसेंबल करने के लिए 4 महीने लगे थे। नंबर 16, रिस्टोरेशन के टाइम पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो टॉर्च है उसे 24 कैरेट गोल्ड की शीट से कवर किया गया था। नंबर 17, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों के पास एक चेन भी है। नंबर 18, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए $500,000 लगे थे, जिसकी अभी वैल्यू $10 मिलियन है। नंबर 19, जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 300 कॉपर पीस फ्रांस से न्यूयॉर्क जा रहे थे तब ये सब एक तूफान में डूबने वाले थे, पर ये बच गए। नंबर 20, लिबर्टी आइसलैंड जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पर कोई भी प्राइवेट बोट नहीं आ जा सकती। आपको वहाँ से आना है या फिर जाना है तो आपको फेरी बोट वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। नंबर 21, आज तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टॉर्च तक कोई भी पहुँच नहीं पाए,
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करना। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।